अगर तुम्हारी केवल चोला बदली जाए, शरीर में छूट जाए, बताओ कितना प्रॉपर्टी साथ में जाएगी? बोल बताओ, सब बच्चे बच्चा बैठो, बैठो, बताओ साथ में कितने संपत्ति जाएगी यहाँ से? आज हमें 100 करोड़ की, आज हम मालिक है, शरीर केवल चोला ही बदल गया, बताओ कितना बदल जाएगी? नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे, मानो तुमने नेक्स्ट जीवन में नेक्स्ट घर में जन्म हुआ, लेकिन इतने गर्मी घर में जन्म हुआ तुमको रोटी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये तुम्हें याद है ये दुकान बकान मेरा है, ये बीवी मेरी, बच्चे मेरे हैं, और पहले जन्म में 100 रुपया पैसा मैंने कमाया, मानो तुम्हें याद है। अपना परिवार से जाकर के पूछो, अपना बीवी से बोलो, बोले पहले जीवन में मैं तेरा पति था, ये दुकान बकान मैंने बनाया, सारी संपत्ति का मालिक मैं था, अभी ऐसे घर में जन्म हो गया, मेरे को रोटी नहीं मिल रही, रोटी दे दे, बताओ तुम्हारी पत्नी देगी? हाँ बताओ, बस थप्पड़ मारेगी, बोले कहाँ से पागल आ गया, हम मान हमारा खसम बन रहा है, हमारा पति बन रहा है, बच्चे को पूछो बच्चे देगा, डंडे मारेगा? इसलिए इंदिरा जी बात को समझा रही है, तुमने कमाया, तुम्हारा आई सब कुछ है, लेकिन केवल तुम्हारा चोला ही बदल गया और कुछ नहीं, लेकिन एक पैसा भी तुम छो नहीं सकते ना। लेकिन मीरा कहती है, ऐसे कौन सा संपत्ति है जिसको पति कमाएगा जिसको पत्नी नहीं ले सकती, जिसको पत्नी कमाएगा जिसको पति नहीं ले सकता, जिसको बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते, जो कमाएगा इसी जीवन में तो तुम मालिक बनोगे नहीं, लेकिन अगले जीवन में ब्याज समेत तुम मिलेगी, ये कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती है, जन्म जन्म पूंजी भाई, जग में सब एक भाई पायो जी में, राम रतन धन पायो पायो जी में, राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है, केवल भगवान के नाम धन, ये ऐसे एक धन है ना जिसको कोई नहीं ले सकते, और अगले जीवन में पूरा की पूरा जाएगी, और उतना नहीं, इसे गिरा क्या कहती है, दिन दिन बढ़त सवाय, जो धन बोलो बढ़ती रहेगी, जो धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु भक्तों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा दिया है। एक दिन भक्तों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, भक्त महाप्रभु बोले सबके घर में मैं खाना नहीं खाता, बोले किसको घर में खाना खाते हो प्रभु? बोले जो लखपति होगा। आज से 550 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था, लखपति मतलब 1 लाख स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। भक्तों ने प्रभु बोला हमारे घर में सब, अब लाख की बात कर रहे हो, 100 भी नहीं 100 की बात, हमारे पास 10 रुपया भी नहीं, 10 रुपया मतलब 10 स्वर्ण मोहर, तो हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे हैं? तो महाप्रभु कहते जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा हूँ, जिन जिन ने यह मूर्ति लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो वह पूजा है आखिर वो कांगाल हुए। अगर तरफ देखो, पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुन लो, कौन कौन अमिताभ बच्चन को जानते हो? सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन करोड़पति बनेगा, बोलता था करोड़पति
कौन बनेगा करोड़पति, वो बोलते ना कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए यहाँ महाप्रभु कहते कौन बनेगा लाखपति, कौन बनेगा लखपति, कौन बनेगा। आप मेरे तरफ में देखो, ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसे कौन सा धन में धनी बनो जब तुम माला माल हो जाओगे। देखो मेरे तरफ में, हाँ देखो, ये भगवान स्वयं, इसमें 108 पोती है, हैं 108 पोती, इसको जो हम जप करते हैं, जैसे हरे कृष्णा, सब मेरे साथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, बोल के ना इसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार में दो, तीन बार में तीन, इसमें 108 मोती है। देखो कैसे लखपति बनोगे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार माला किया ना, वो 16 नाम हो गया और उसमें 108 मोती है, अगर उसको एक राउंड फिर दूसरे से दो राउंड, अगर हमने उसमें 16 माला कर लिया तो हो गया 25,000, अगर उसमें 64 माला कर लिया तो कितना होगा 1,00,000। ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले 1,00,000 मैंने माला नहीं जब की, बोले क्या किया, बोले आज बैंक में तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं, 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बोले दीन भरत सगाई, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी। कोई बैंक इतना इंटरेस्ट दे सकता है, 8 साल में जाकर कहीं डबल होता है। लेकिन इसमें कहते हैं 4 दिन में तुम्हारी 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 तुम्हारी हो जाएगी, 1,25,000, एक दिन में एक सवाई हो गया 1,25,000 हो गया, फिर 4 दिन में 2,00,000। बस इतने जल्दी ये धन बढ़ती है, ये धन कभी घटेगी नहीं, फिर महाप्रभु कह रहे। इसलिए हमारी संप्रदाय में इधर देखो, हमारी संप्रदाय में संतों को देखो कभी ये माला नहीं छोड़ते। देखो यहाँ पर जितने भक्त, देखो लड़की बच्चे को माला लेकर बैठे, वो भी माला लेकर, प्रभु जी को माला, सब देखो माला नहीं माल है, ये माला नहीं है माल ही है, इनको पता है ये ऐसे जो माल है ना। देखो हमारे संत लोग कहते हैं, जब जिसको पैसा देते हो कैसे देते, ऐसे ऐसे पैसा देते हो, जब लेते हो कैसे देते हो, ऐसे। देखो इसमें जो माला जब कर रहे हो ना, ऐसे मतलब ये माला नहीं, माल को तुम जब नहीं कर रहे हो, उसको फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब जमा कर रहे हो, हम दे नहीं रहे, ले रहे हैं, हाँ। और यही धन ही अंतिम समय में, अगर जिसको बोला हरिनाम करने के लिए, पता है चतुर्थ रानी को नेग्लेक्ट कर रखा था, लेकिन लास्ट में वही गई, मतलब क्या है, अगर जिसको बोला थोड़ा हरिनाम करने के लिए ना, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है, यहाँ पर टीवी देखने के लिए समय, सिनेमा जाने के लिए समय, शादी पार्टी में जाने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, चुगली करते समय समय, लेकिन थोड़ा बोले माला जब तो बोले समय का है। इसी के लिए वो इसको हमने संपूर्ण निगले किया, लेकिन अंतिम समय जब आएगा, 4 व्यक्ति जब कंधे पर ले जाए, क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल व्यक्ति है, सबकी बात झूठा है। कोई नहीं बोलेगा तुमने बेटी को अमेरिका में शादी किया, कोई लंदन में शादी किया, बच्चे को तुमने इंजीनियर डॉक्टर बनाया, ये नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, सब कोई बात झूठा है। श्री भागवत ने बताया मरने का बाद ये जम महाराज को सामने खड़ी कर दिया जाती है, वो ये नहीं पूछेगा कितने दुकान मकान कितना बेटा बेटी को शादी दिया, वो कोई प्रश्न नहीं करेगा, वो एक ही प्रश्न करेगा, ये 84 लाख जन्म के बाद में ये जो दुर्लभ जीवन मिला था जो काम के लिए, वो हरिनाम कितने किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को होटल न लगे कपास, क्यों आए थे, ये 84 लाख जन्मों के बाद क्यों जीवन दिया, आए थे हरि भजन को, और भजन के लिए आए, लेकिन उल्टा काम में लग गए, जो करना के लिए आए तो उसको रखा पीछे, और जो नहीं करने के लिए आए तो उसको आगे कर दिया। इसलिए आप बताओ कौन सा रानी को, चौथी रानी में सबसे कौन सा रानी को ज्यादा प्यार करोगे, चौथी रानी को, ठीक है ना। इसका मतलब है माला जब करनी चाहिए, इसलिए सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय भगवान के लिए निकालो, हाँ थोड़ी समय भगवान के लिए निकालो। देखो एक संत कह रहे थे, ध्यान करके सुनो, क्यों आप भजन करे, ये तो एक बात हो गया, क्यों भजन करे। देखो बोले कोई एक करोड़पति व्यक्ति था, अर्धकरोड़पति, उसका हार्ट अटैक तो हो गया, उसका उम्र था 60 साल की, अभी उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसको ऑपरेशन करने के लिए 4-5 घंटा लगा,
बढ़िया से अपरसन हो गई। अपरसन के बाद में डॉक्टर ने एक बीप पकड़वा दिया, वो बीप था 4 लाख रुपया की बीप। अभी उसको देख करके तो रोना शुरू कर दिया, बोले भैया रो रहे क्यों, तेरे पास में भगवान पैसा कम नहीं किया। बढ़िया से अपर